हेलो गाइस, नमस्कार। मैं कामना, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। सो गाइस, सब बातें तो हम करते रहते हैं, कुछ बातें कर लेते हैं हमारे अपने हक की या आपके हक की या उन सब की। मैं कोरोना वायरस एक महामारी चल रही है और इस महामारी में हर कोई परेशान है, चाहे वो छोटा तबका हो या बड़ा तबका हो, पर वो छोटा तबका ज़्यादा परेशान है। जो मजदूर हैं, जो मीडियम वर्ग है, उसकी परेशानी सबसे ज़्यादा है। अब परेशानियाँ तो हम देख ही रहे हैं, रोज़ टीवी चैनल चलाते हैं और देखते हैं कि किस तरह से लोग अब मजबूर हो गए हैं। वो अपने घर जाना चाहते हैं किसी भी हाल में, शायद क्यों जाना चाहते हैं, इसलिए क्योंकि अब उनके पास पैसे नहीं हैं, उन्हें खाने के लिए नहीं मिल रहा। अगर मिलता है तो वो क्यों जाना चाहते। ये कोई भी सरकारी हो, वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, आखिर उनके लिए क्या है, उन लेबर्स के लिए जो लोग सड़क पर चल रहे हैं आज पैदल, क्यों चल रहे हैं? उन्हें कोई रोक क्यों नहीं रहा? हर रोज मर रहे हैं। आज ही मैंने एक टीवी में देख रही थी, न्यूज़ देखा कि कुछ 16 लोग कुछ ट्रैक चढ़ गया और रोड में जा रहे थे और ऑन स्पॉट एक्सपायर हो गए। बस इतने से ख़त्म हो जाता है कि या तो उन्हें कुछ मुआवजा दे दिया जाएगा, उनकी कीमत सिर्फ 5 लाख 4 लाख इतनी होती है, पर उससे पहले क्यों नहीं होती? अभी जो कोरोना वायरस को लेकर के जो बजट रिलीज किया गया 20 लाख करोड़ का, लेकिन उस पूरे बजट में अगर हम गौर करें, हम देखें कि उन मीडियम वर्ग के लिए क्या है, उन मजदूरों के लिए क्या है, उन्हें अभी क्या मिल रहा है? हमारे पास अभी खाने के लिए नहीं है। हम अगले महीने, एक महीने के लिए राशन कहाँ से आएगा? राशन आ भी गया, हमें फ्री में मिल गया, तो क्या हमारी ज़रूरत केवल राशन की है? उसके अलावा भी हमें पैसे तो चाहिए। अगर हम घर पे बैठे हैं, हमारे पास काम नहीं है, काम बंद है, तो वो हमारी जो सरकारें हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो उसे पूरा करें। ये सारे मैं देखती रही और मुझे लगा कि अल्टीमेटली वो उन लोगों के लिए है जो बिजनेसमैन हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, सबके लिए है। लेकिन वो एक तबका जिसे केवल राशन दे करके खुश किया जा सकता है, वो इतने में ही खुश हो जाता है, छोटी छोटी चीज़ों में खुश हो जाता है, वो विश्वास कर लेता है, क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं है, उसे बहुत जल्दी गुमराह किया जा सकता है। ये है हमारे भारत की सच्चाई आज की, जो हम देख रहे हैं। शायद हमें दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि हमें जो एक हमारी जो आत्मा है, जो हमारा एक जो इंसानियत है, वो शायद ख़त्म होती जा रही है। हम सिर्फ ये देखते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है, किसमें हम हर चीज़ में सिर्फ अपनी अच्छाई ढूंढते हैं कि इसमें हमारा फ़ायदा है तो हम बात करेंगे, अगर उसमें हमारा फ़ायदा नहीं है तो हम बात नहीं करेंगे। इस तरह से वो एक तबका जिसके लिए बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारी योजनाएं बनाई जाती हैं, लेकिन क्या सच में उन तक वो योजनाएं, वो चीज़ें जा पाती हैं, मिल पाती हैं? नहीं। वो हमारे सामने ये उदाहरण है, ये तस्वीरें जिन्हें देख करके आंखों में आंसू आ जाते हैं।
लेकिन फिर भी मजबूर हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। ये कुछ रिपोर्ट थे जो लोग जो अभी तक चल रहे हैं पैदल, और किसी एक स्टेट से नहीं, वो हर स्टेट से लोग एवरी डे अभी भी रोज लोग पैदल निकल रहे हैं भूखे, बिना चप्पल। ये वीडियो देखिए, ओके गाइस, नमस्कार, अपना ख्याल रखिए।